शादी के 9 माह बाद देवर के साथ भाग गई भाभी। पति ने पुलिस से लगाई पत्नी को खोजने की गुहार। शिवपुरी जिले के कररा थाना क्षेत्र में एक देवर मायके से अपनी भाभी को लेकर फरार हो गया। पति ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करने के बाद उसकी पत्नी को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे परेशान पीड़ित ने आज इसकी शिकायत एसपी ऑफिस पहुंचकर दर्ज कराई और पुलिस से पत्नी को खोजने की गुहार लगाई। 9 महीने पहले कर्जा लेकर की थी शादी। जानकारी के अनुसार मुकेश कुशवाहा निवासी ठकुरई ने बताया कि 2 मई 2023 में मेरी शादी अभिलाषा के साथ हुई। शादी के कुछ समय बाद ही छोटे भाई ओमकार कुशवाहा और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध बन गए, जिसके बाद मैंने एक बार फोन में जिसका मैंने विरोध करते हुए कई बार गांव में पंचायत भी लगाई थी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने 22 दिसंबर 2023 को मैंने अपने भाई और पत्नी को एक साथ देखा, जिसके बाद 9 जनवरी 2024 को मेरी पत्नी मायके में मेरे छोटे भाई के साथ फरार हो गई, जिसके बाद मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बताया उसके ऊपर शादी का 2.5 लाख कर्जा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देते हुए पुलिस से पत्नी को खोजने की गुहार लगाई है। चाहते हैं आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं मैम, हमारा समझौता हो जाए, पत्नी रहना चाहती है तो रहे, और जो शादी का कर्जा है हमारे ऊपर 2-2.5 लाख रुपया, वो लोग पैसे मांग रहे हैं तो हम कहाँ से पैसे दे दें, और घर वाले हैं सब मारने को दौड़ रहे हैं। भाई पर कार्रवाई चाहते हो? हाँ, भाई पर कार्रवाई चाहते हैं।